नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे गुजरात चुनाव से। गुजरात चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच ये खबर निकल कर सामने आई है कि इस बार झोला उठाकर निकलने की तैयारी BJP कर रही है। वो कैसे और कैसे गुजरात की जनता ने सियासी समीकरण को बदल दिया है, कैसे गुजरात की जनता का रुख बदलता नजर आ रहा है। हिंदू मुसलमान की राजनीति से परेशान गुजरात की जनता अब नई पार्टी को चुनने का मन बना रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में लगातार बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया भी गुजरात पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर गुजरात में चल रही है, जिन मुद्दों को उन्होंने गुजरात में उठाया है, यही मुद्दे हैं जो गुजरात की जनता को पसंद आ रहे हैं, वहाँ के युवाओं को पसंद आ रहे हैं, यूथ को पसंद आ रहे हैं। जनता जिस तरह से इन मुद्दों को पसंद कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि वाकई किस तरह बहुत बड़े हद तक हम देख रहे हैं कि बदलाव दिखाई दे रहा है, बहुत बड़े हद तक हम देख रहे हैं कि चीज़ें बदलती नजर आ रही हैं। क्योंकि मौजूदा समय के अंदर के हालात, मौजूदा समय के अंदर की स्थिति अब ये जाहिर कर रही है कि गुजरात की जनता ये चाहती है कि उन्हें रोजगार मिले, वहाँ का युवा यूथ ये चाहता है कि उन्हें एजुकेशन अच्छी मिले, वहाँ पर सड़कें अच्छी हों, अस्पताल अच्छे हों। हालांकि इन सब के बीच हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के आने के बाद BJP डर गई है गुजरात में, ये सीधे तौर पर बता रहा है कि क्या अब मुश्किलें गुजरात में BJP के लिए वाकई दिखाई दे रही हैं। और गुजरात में अगर BJP को बड़ा झटका लगता है तो क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका फर्क पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए। नमस्कार।